अस्सलाम वालेकुम थोनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? और आई होप सो आप सभी लोगों के ठीक। और सॉरी टू से यार कि काफ़ी टाइम लग गया इस रिव्यू को आने में, बट आज आपका भाई हाजिर हो गया आप लोगों की खिदमत में होंडा सिटी की लेटेस्ट जनरेशन के साथ, जो कि पाकिस्तान में अभी लॉन्च की गई है। इसके टॉप ऑफ द लाइन 1.5 एस्पायर CVT वेरियंट के साथ इंशाल्लाह आज की वीडियो में इसका एक डिटेल रिव्यू करते हैं और देखते हैं गाड़ी को फ्रॉम इंटीरियर, एक्सटीरियर, बूट स्पेस और लास्ट में मेरी फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि आपको क्या ये गाड़ी आया कि लेनी चाहिए कि नहीं। तो ये सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू फ्रॉम एक्सटीरियर फर्स्ट। गाड़ी की अगर आप लोग की फॉब देखते चलें तो गाड़ी के अंदर जो की फॉब है वो आप लोगों के पास स्मार्ट एंट्री वाली की मिल जाती है और ये सिर्फ 1.5 एस्पायर वेरियंट्स के अंदर आप लोगों को ये जो स्मार्ट एंट्री है वो मिल जाती है। इसके अंदर देखें तो लॉक, अनलॉक और साथ में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टेल गेट ओपनर मिल जाएगा और ये कुछ आप लोगों को इसकी की मिल जाती है जो कि बिल्कुल सिमिलर है आप लोग सिविक के अगर कह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की जानेब आते चलें तो सबसे पहले फ्रंट की जानेब आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास हेलोजन ऑल इन वन हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाती हैं विद आप लोगों के पास ये LED या डे टाइम रनिंग लाइट्स। ये आप लोगों के पास LED किसी भी वेरिएंट में नहीं आती, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हो या कोई भी हो, आप लोगों को इनके तमाम वेरिएंट्स के अंदर हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेगी। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी ग्रिल देखते चलें फ्रंट, तो फ्रंट ग्रिल क्रोम मिल जाती है और ये पार्शियल क्रोम ग्रिल है और ये आप लोगों को कुछ हद तक सिविक रिबर्थ और सिविक एक्स की याद दिलाती है। इसी से नीचे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसके अंदर हनीकॉम मैश काइंड ऑफ यूज़ किया गया हनीकॉम ग्रिल का, जो कि काफ़ी एक डिसेंट गाड़ी को लुक्स प्रोवाइड करवाती है फ्रंट से। अगर नीचे आप लोग देखें तो आप लोगों के पास इसका फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं, वो भी हेलोजन बल्ब्स के अंदर। उसी के साथ आप लोगों के पास अगर फ्रंट पूरी ओवरऑल लुक देखते चलें गाड़ी की तो एक डिसेंट और एक एग्रेसिव आप लोगों को लुक प्रोवाइड करती है और वही मैं कहना चाहूँगा कि जो आप लोगों के पास सिविक एक्स चल रही है उसका आप लोग कह लें कॉम्बिनेशन आप लोगों को फ्रंट से देख के साथ दिलाती है। उसके अलावा अगर हम साइड प्रोफाइल की तरफ आते चलें गाड़ी के अंदर, सबसे पहले टायर साइज़ देखें तो 175/65 R15 और यूरो स्टार के आप लोगों को इसके अंदर टायर्स मिल जाएंगे प्री इंस्टॉल्ड कंपनी की तरफ से। और जहाँ तक इसकी रिम्स का ताल्लुक है तो ये डुअल टोन कलर के अंदर डायमंड कटेड आप लोगों को इसके अंदर अलॉय रिम्स मिलती है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है मुझे इसका लगा है। पे जो है वो डिस्क ब्रेक आती है जबकि आप लोगों को रियर पे इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को साइड पे इसके मिरर्स दिखाता चलूँ तो ये रिट्रैक्टेबल है और ये ऑल अक्रॉस द वेरिएंट्स कॉमन है, मतलब आप लोगों के पास चाहे बेस वेरिएंट हो या टॉप ऑफ द लाइन हो उसके अंदर आप लोगों को रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलते हैं, वो भी बॉडी कलर और साथ इसके अंदर LED इंडिकेटर आप लोगों को मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आप लोग सन वाइजर देखे होंगे तो ये एस्पायर वेरिएंट्स के अंदर ही आप लोगों को मिलते हैं, तो बेस लोअर ट्रिम्स वेरिएंट है उसके अंदर ये सन वाइजर्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग गाड़ी का डोर हैंडल देख रहे होंगे तो ये क्रोम के अंदर है और स्मार्ट एंट्री बटन है। अच्छा, तो अगर गाड़ी के ओवरऑल साइड प्रोफाइल के बारे में बात करता चलूँ तो गाड़ी के अंदर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्रोमिनेंट कैरेक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि ऑल द वे टेल लैम्प से एक्सटेंड होकर साइड पर आ रही है, जो कि अगेन साइड से भी गाड़ी को एक काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छी लुक्स गाड़ी की प्रोवाइड करवाता है। अगर अब हम गाड़ी के रियर लुक पर चलता चलूँ मैं तो सबसे पहले आप लोग इस गाड़ी के टेल लैम्प्स का डिज़ाइन देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है सियाज से। लैम्प्स देख रहे होंगे ये हेलोजन बल्ब के अंदर मिलती हैं और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी LEDs के अंदर आप लोगों को नहीं मिलती, तमाम के अंदर हेलोजन बल्ब्स के अंदर मिलती हैं। उसके अलावा ऊपर आप लोग देखते चलें तो यहाँ सिटी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ एस्पायर CVT, बीच में आप लोगों का होंडा का एम्बलम और गाड़ी के अंदर रियर जो कैमरा है वो भी आप लोगों के पास कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड आता है। ऊपर आप लोगों के पास जो है ये शार्क फिन एंटीना, ये इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तक ही लिमिटेड है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी आप लोगों को गाड़ी के अंदर मिल जाती है। नीचे अगर आप लोग इसके बम्पर में देखें तो रिफ्लेक्टर्स हैं और अगेन नीचे भी आप लोगों के पास हनीकॉम ग्रिल, हनीकॉम की आप लोगों को डिज़ाइनिंग दी गई है, ग्रिल नहीं है बेसिकली ये। उसके अलावा ओवरऑल आप लोग इसकी जो रियर लुक है वो देख सकते हैं। सो थोड़ा सा अब गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आ चुका हूँ और अब आप लोगों को गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका गाड़ी का इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक चीज़ के बारे में बात करते चलते हैं। तो यार सबसे पहले तो अगर आप लोग इस गाड़ी का जो है स्टेयरिंग व्हील से बात करता चलूँगा और उसके बाद बाकी तमाम फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग स्टेयरिंग व्हील देखें तो गाड़ी के अंदर आते हैं 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील और मुझे हमेशा से यार आप लोग मेरी बात से एग्री करें या ना एग्री करें, अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यार होंडा के जो स्टेयरिंग व्हील के डिज़ाइन होते हैं, जो इनके इंटीरियर के डिज़ाइन होते हैं ना, तो यार बेसिकली इनके डिज़ाइन कभी आपको बोर नहीं करते। देख लें पुरानी जो जनरेशन थी इसकी वो भी आप लोग इस्तेमाल करते रहे होंगे, तो यार गाड़ी ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि आप लोग इस गाड़ी के डिज़ाइन से बोर नहीं होते। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके एस्पायर टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट्स के अंदर आप लोग पास क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है और इसी के साथ बाकी तमाम वेरियंट्स में ये जो आप लोग मल्टी मीडिया के कंट्रोल हैं वो स्टैंडर्ड है ऑल अक्रॉस द वेरियंट। और अब अगर आप लोग देखते चलें तो सिटी के अंदर फाइनली तमाम वेरियंट्स के अंदर एयर बैग्स भी आना शुरू हो चुके हैं, जो कि आप लोगों के चाहे बेस वेरियंट भी हो 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन वाला हो
उसमें भी आप लोग को ये एयरबैग मिल जाएंगे। और इसके साथ अगर आप लोग स्टेयरिंग व्हील पर देखें तो इस सिल्वर की ट्रिमिंग्स का यूज़ किया हुआ है। अब जरा यार इन कंट्रोल्स की जाने बात हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग इस गाड़ी के डैशबोर्ड की कलर थीम और गाड़ी के अंदर जो कलर थीम टोटल यूज़ की गई है वो बताता चलता हूँ। तो यार इसके अंदर जो कलर थीम है ना वो डैशबोर्ड के अंदर जिस तरह पहले आता था डुअल टोन डैशबोर्ड, तो इसके अंदर डुअल टोन तो नहीं है बट इसके अंदर आप लोगों को ब्लैक डैशबोर्ड मिल जाती है। और ये बेज और ब्लैक का जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया वो इसकी सीट्स के अंदर बेज कलर मिल जाता है। इसी तरह बेज कलर आप लोगों को इसके डोर पैनल्स के साथ भी मिल जाता है। और जिस तरह के आप लोग इसका डोर पैनल देख रहे होंगे, डोर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के पास ये लेदर के अंदर सेंटर जो जितना भी बेज वाला पोर्शन है चाहे वो पीछे हो या आगे हो वो आप लोगों को लेदर के अंदर मिलता है। और बाकी तमाम इसका आप लोग देखते चलें तो ये हार्ड प्लास्टिक के अंदर आप लोगों को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी ने काफ़ी इंप्रेस किया। और अगर आप लोग इसकी डैशबोर्ड में देखते चलेंगे यार, एक और चीज़ कि इसकी डैशबोर्ड के अंदर काफ़ी अटेंशन टू डिटेल दी गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ग्लॉसी पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया, उसके साथ ये सिल्वर की ट्रिमिंग्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी हद तक सिल्वर की ट्रिमिंग का यूज़ मिलेगा और यही सारी सिल्वर की ट्रिमिंग आप लोगों को गाड़ी के जो है बिल्कुल वेंट्स के साथ और ये सेंटर के अंदर तमाम चीज़ें ये ट्रिमिंग जो है सिल्वर की मिल जाएगी, जो कि यार गाड़ी की डैशबोर्ड के लुक्स को काफ़ी इन्हेंस कर देती है। उसके अलावा अगर इधर आते चले इन कंट्रोल्स की जानेब तो यहाँ पर आप लोगों को इको ऑन का बटन मिल जाता है। यहाँ पर रिट्रैक्टेबल मिरर्स का कंट्रोल और रिट्रैक्टेबल मिरर्स चाहे वो बेस वेरियंट हो या चाहे वो टॉप ऑफ द लाइन हो वो आप लोगों के अंदर तमाम में कॉमन मिल जाते हैं। उसके साथ अगर नीचे देखते चलें तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्टिव मिरर्स ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है। और इसी के साथ अगर आप लोग गाड़ी के अंदर देख रहे होंगे यार ये ट्विटर्स मिलते हैं और ये गाड़ी के तमाम डोर्स के अंदर मिलते हैं, वो फ्रंट दोनों डोर के साथ साथ आप लोग अगर रियर पे भी देख रहे होंगे रियर डोर्स के अंदर भी ट्विटर्स मिलते हैं। और गाड़ी के अंदर चार स्पीकर्स भी आते हैं, तो इन कॉम्बिनेशन चार ट्विटर्स और चार स्पीकर्स आप लोगों को मिलते हैं, जो कि इनकी क्वालिटी तक अच्छी है। यहाँ पे आप लोगों के पास क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं, क्रोम डोर हैंडल्स। और इसी के साथ अगर आप लोग ड्राइवर के देखते चलें कंट्रोल्स की जाने तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये ऑटो, यहाँ पर ड्राइवर की फुली वन टच ऑटो अप और डाउन दोनों मिल जाती है और बाकी तमाम पावर्ड हैं बट ऑटो नहीं है। यहाँ पर CLS कंट्रोल मिल जाता है और विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन। अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जाने बातें चलें तो कस्टमर लोग कह रहे हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम एज BRV वाला है, तो इसमें कोई शक नहीं, हाँ ये बिल्कुल सेम वही BRV वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है। अगर इस साइड की जाने आप लोग इसके अंदर देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास RPM गेज मिल जाता है और यहाँ पर ये इको ऑन का लीफ बना हुआ है। आप लोग इधर देखें तो इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को ये गियर इंडिकेटर मीटर मिल जाएगा जो कि डिजिटल के अंदर है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आता है जी 220 तक ये स्पीडोमीटर लिमिटेड है। और इसके साथ आप लोगों के पास ये लाइट्स पीछे आप लोग देख रहे होंगे ब्लू इल्यूमिनेट हो रही हैं और बाकी तमाम इधर छोटी मोटी इंडिकेशन आप लोगों को मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाता है जिसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले इधर टाइम मिल रहा है, रेंज टू एंड ट्रिप ए मीटर, और नीचे आप लोगों के पास ये फ्यूल गेज मिल जाता है और ऊपर आप लोगों को ये एवरेज बता रहा है कि गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है। इसको अगर आप लोग इसको नेविगेट करना चाहते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी मीटर को तो इस नॉब के थ्रू आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी और एवरेज वगैरह आप लोग इधर से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर गाड़ी के सेंट्रल कंसोल की जाने बात चलूँ तो गाड़ी के अंदर जो है आप लोगों के पास ये 9 to 10 इंचज का आप लोगों के पास एंड्रॉयड पैनल मिल जाता है और ये सिर्फ इसके एंड्रॉइड जो पैनल है वो आप लोगों को इसके हायर ट्रिम्स में मिलता है एस्पायर वेरिएंट्स के अंदर, जबकि जो लोअर ट्रिम्स 1.2 वगैरह है उसके अंदर आप लोगों के पास 6 to 7 इंचेस का डिस्प्ले आता है बट वो एंड्रॉइड नहीं है। अगर इसको आप लोग नेविगेट करते चलें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐप्स, और इसका यार मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि इसका काफ़ी स्मूथ टच है और इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है, यूज़र फ्रेंडली है ये काफ़ी हद तक। कैमरे का भी टेस्ट करवा दूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसका रियर कैमरे का भी कुछ रिजल्ट काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और इसका जो आप लोग देख सकते हैं ऐप्स वगैरह और बाकी इसके अंदर कनेक्टिविटीज USB और होती है तमाम कनेक्टिविटीज आप लोगों को इसके अंदर मिल जाती हैं। और अब आप लोगों को गाड़ी की ज़रा जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो भी टेस्ट आउट करवा देता हूँ। और अगर आप इस साइड की जानेब आप लोग देखते चलें तो यहाँ पे आप लोग पास ये हैजर लाइट स्विच मिल जाता है। और इसी के साथ आप अगर आप लोग आते चलें तो यहाँ पे आप लोग पास इसके अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल अब फाइनली आ चुके हैं होंडा सिटी के अंदर, और ये कैपेसिटिव टच के साथ आता है जो कि सेम आप लोग होंडा फिट और होंडा वेजल और होंडा ग्रेस के अंदर जो आता था, बट ये सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ से आप लोग इस गाड़ी को जो है फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर जहाँ तक AC का ताल्लुक है खड़ी गाड़ी पर तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी की थ्रो ठीक ठाक है, पिछले पैसेंजर्स तक कोई मसला नहीं होगा और गाड़ी का AC की कूलिंग बहुत ही अप टू द मार्क है। उसके अलावा यहाँ से आप लोग इसके टेम्परेचर वगैरह को सेट कर सकते हैं। देखते चलें सेंट्रल कंसोल में थोड़ा सा आ गया है तो दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे 12 वॉट का चार्जिंग डॉक मिल जाता है,
उसके अलावा गाड़ी के अंदर अब जाके CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है, जो कि आप लोगों के पास पहले जो आती थी वो प्रोस्मेटिक आती थी, अब उसको चेंज करके CVT कर दिया गया। और ये अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कि होंडा का ये क्लेम है कि जिसकी वजह से इनकी फ्यूल एवरेज जो है इससे अच्छी हो जाती है। इसके साथ भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अटेंशन टू डिटेल दी हुई है, ग्लॉसी पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया हुआ है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, एस और एल, ये तमाम मोड मिल जाते हैं इसके अंदर। उसी के साथ अगर आप लोग पीछे थोड़ा आते चलें तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है जहाँ पर मैं जिसको की रखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और आप लोग एक चीज़ डिसअपॉइंटमेंट लगी कि इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी आप लोग पास कोई पार्किंग ब्रेक नहीं है, इसके अंदर आप लोग पास लेवर हैंड ब्रेक आ जाती है। अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे आएँ तो इसके अंदर आप लोग पास आर्म रेस्ट मिल जाता है और इसके अंदर भी काफ़ी ठीक है, थोड़ी सी स्पेस है उसके, और ये लेदर स्टिच के अंदर है। अब अगर मैं बात करता चलूँ गाड़ी के सीट्स के बारे में, तो गाड़ी के अंदर लेदर सीट्स मिल जाती हैं और ये बेज कलर के अंदर है, और इसके हायर ट्रिम्स वेरिएंट के अंदर ही सिर्फ आप लोगों के पास लेदर सीट्स आती हैं। जो लोअर ट्रिम्स वेरिएंट है उसके अंदर आप लोगों के पास फैब्रिक सीट्स का यूज़ किया गया है, और इनका जहाँ तक कम्फर्ट लेवल है और सॉफ्टनेस है तो वो यार होंडा ने काफ़ी इंप्रूव की गई है, क्योंकि पहले काफ़ी सख्त सीट होती थी, लेकिन इस गाड़ी की जो कम्फर्ट लेवल है वो मैं उससे काफ़ी अच्छा मैं इंप्रेस्ड हुआ। उसकी सीट्स का जो स्मूथनेस लेवल है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा है। उसके अलावा सन वाइजर्स अगर आप लोग देखते चलें तो गाड़ी के सन वाइजर्स के अंदर अब फाइनली वैनिटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिया गया, जबकि पहले जो है अगर मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पहले मेरे ख्याल में सिर्फ ही पैसेंजर के लिए आया करता था। उसके अलावा पहले फ्रंट पे आप लोग पास ये रीडिंग लाइट्स भी नहीं मिलती थी, जो कि इस गाड़ी के अंदर ऐड कर दी गई हैं। लेग रूम भी चेकआउट करवा देता हूँ, तो मेरी हाइट अराउंड 5'10" है और आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो है लेग रूम काफ़ी अच्छा खासा है। अब मेरे ख्याल में मूव करना चाहिए रियर सीट्स की जाने, तो गाड़ी के रियर सीट्स की जाने मूव करता चलता हूँ। सबसे पहले इस गाड़ी का आप लोगों को रियर डोर दिखाऊं, तो आप लोग देख सकते हैं वही तमाम आप लोगों को इसके अंदर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, कलर कॉम्बिनेशन बेज के अंदर और साथ में ब्लैक, और ये सेंटर वाला जो है तमाम लेदर के अंदर है, बाकी हार्ड प्लास्टिक के अंदर है और आगे अंदर और तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि गाड़ी। अगर मैं आप लोगों को अपना लेग रूम और तमाम रियर पैसेंजर्स के लिए बताता चलूँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो सबसे पहले लेग रूम से बात करूँगा। और गाड़ी के अंदर एंटर होते साथ ही सबसे पहले जो मुझे चीज़ फील हुई है गाड़ी के अंदर, लिटरली करोला और ऑल्टो को भी इसने मतलब ऑल्टो के जितना आप लोग कह लें जो पाकिस्तानी ऑल्टो आ रही है उस जितना आप लोगों को इसके अंदर लेग रूम मिल जाता है, जो कि काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम है। मैंने ये सीट अपनी हाइट के मुताबिक सेट की हुई है, 5'10" का मैं हूँ तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कितना ज़्यादा लेग रूम स्पेस है। और इसी तरह अगर आप लोग देखें तो ये रियर फ्लोर भी फ्लैट ही है, जो सेंटर में भी पैसेंजर बैठेगा उसके लिए कोई अनकम्फर्टेबल नहीं होगा। तो यार गाड़ी ने लेग रूम की जानब से तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। एक और चीज़ यार गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो गई है कि यार इसके अंदर अब रियर वेंट्स भी आते हैं, तो जो कि रियर पैसेंजर्स को भी यार AC की हवा का मसला नहीं होगा। ऑल्दो कंप्रेसर तो एक ही है, बट आप लोगों को रियर पैसेंजर्स तक भी अब AC की हवा इजीली पहुंच सकेगी। जी अगर आप लोग देखें तो दो पावर आउटलेट्स मिल जाते हैं 12 वॉट के, जो कि रियर पैसेंजर्स को काफ़ी फैसिलिटेट किया गया है। अब अगर हम सीट्स के बारे में बात करते चलें तो गाड़ी के अंदर सीट जो है वो लेदर के अंदर है, जिसका कि मैंने बताया, और पिछली सीट्स का भी कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस एक चीज़ अगर और इंप्रूव हो जाती कि इसके अंदर अगर हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल दे देते तो काफ़ी हद तक अच्छा था, लेकिन ये फिक्स्ड हेडरेस्ट भी ठीक ठाक है। उसके अलावा आर्म रेस्ट गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, दो कप होल्डर्स के साथ, और रियर पैसेंजर्स की सेफ्टी का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया, और 3 सीट बेल्ट ही आप लोगों को इसके अंदर मिल जाती हैं। सो थोड़ा सा ज़रा गाड़ी को बूट स्पेस की जाने से चेकआउट कर लेते हैं, तो गाड़ी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट मिलता है, तो की के अंदर से की के बटन को प्रेस करेंगे और गाड़ी की बूट जो है वो ओपन हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप लोग बूट को इधर से भी ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग इधर से भी ओपन कर सकते हैं। गाड़ी के अगर बूट स्पेस के बारे में बात करता चलूँ तो 5 10 लीटर्स की आप लोगों को इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाती है, और काफ़ी ज़्यादा है जो कि, और इसके साथ इसके अंदर आप लोगों को स्टेपनी स्पेयर व्हील भी आ जाता है, बाकी तमाम इसकी टूल किट मिल जाती है। उसके अलावा ऊपर आप लोग देखें तो यार ये काफ़ी अच्छी बात कर दी गई है, सिटी के अंदर तमाम कवरिंग वगैरह का ख्याल किया गया है। तो थोड़ा ज़रा गाड़ी के इंजन की जानिब नज़र दौड़ाते चलते हैं, तो सब इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, जो कि अराउंड 118 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करता है और 145 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। गाड़ी के अंदर आप लोगों के पास ABS ब्रेक्स भी मिल जाती हैं, जिसका आप लोग मॉड्यूल देख पा रहे होंगे। उसके अलावा गाड़ी के अगर माइलेज के बारे में बात करता चलूँ तो ये इस गाड़ी की अराउंड 12 to 16 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, और ये आप लोगों की ड्राइविंग हैबिट भी डिपेंड करता है। सिटीज़ के अंदर ये 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर दे देती है, जबकि लॉन्गर जर्नीज पर आप लोगों को 16, 17 और 18 किलोमीटर तक भी ये गाड़ी दे देती है। 1.2 लीटर की थोड़ी और से ज़्यादा होगी, लेकिन ये 1.5 लीटर की आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आई होप सो आप लोगों के लिए जो रिव्यू है वो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब जरा इस गाड़ी की आप लोगों को प्राइस बताता चलता हूँ होंडा सिटी की। तो होंडा सिटी की प्राइस जो है वो स्टार्टिंग प्राइस 1.2 जो इसका बेस मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसकी है 26 लाख रुपये इनवॉइस है, जबकि ये जाती है जिसका आज मैंने आप लोगों को जिस गाड़ी का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का रिव्यू दिया है इसकी अराउंड आप लोगों को जो है 31 लाख 70 हज़ार रुपये इनवॉइस प्राइस मिल जाती है। तो अब जरा यार फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर बात करते हैं अपने इस गाड़ी के ऊपर कि यार मेरी क्या फाइंडिंग है इस गाड़ी के ऊपर, और क्या आप लोग इस गाड़ी को बाय करना चाहिए या नहीं है। तो अगर आप लोग इस गाड़ी को यारिस एटेवैक्स से कंपेयर करें और एटेवैक्स की से मिला रही है कि कौन सी आप लोग गाड़ी लें, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को अगर देना चाहूँ तो यार यारिस की लिटरली मुझे इसकी शेप पसंद नहीं आई, और इसकी सस्पेंशन भी आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी कंप्लेंट्स आई है कि काफ़ी स्टिफ है,
तो अगर मेरे पास 31,70,000 रुपये हो तो यार मैं इसी गाड़ी के ऊपर खर्च करूँगा। और यार इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर और इसका आप लोग अगर लेग रूम देखें और ईच एंड एवरी थिंग वाइज, सस्पेंशन वाइज और लुक्स वाइज बहुत अच्छी है यार। मेरे ख्याल में मैं तो आप लोगों को यही अपना मशवरा दूंगा कि आप लोग अगर 31 लाख रुपये खर्च करें तो इस गाड़ी के ऊपर खर्च करें। बाकी आप लोगों को अपनी चॉइस है और आप लोग मुझे बताइएगा यारिस एटिवैक्स और होंडा सिटी में आप लोग अगर कोई गाड़ी लेना चाहें तो किसको प्रेफर करेंगे। और हाँ यार, ये वीडियो होंडा एबिट मोटर्स की तरफ से पॉसिबल हो सकी है तो उनके तमाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उनकी तमाम नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगी, तो बुकिंग डिटेल वगैरह आप लोग उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। सो यार अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा और अगले किसी नेक्स्ट अच्छे रिव्यू के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। The electric, the force, magnetic, they